यह होगा जब नाभि में छेद हो जाए। आप इसे गौर से देखिए, ये कौन है। ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल के सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक जरूर देखें। नंबर 18, क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है जो जिंदगी भर बढ़ती रहती है। नहीं पता तो मैं आपको कह दूं कि वो हमारे नाक और कान उम्र भर बढ़ती रहती है। यही कारण है कि बूढ़े लोगों के कान लंबे लंबे होते हैं। नंबर 17, लव में हर कोई आई लव यू कहता ही है, चाहे दिन हो या रात। जितने समय में आप आई लव यू कहोगे उतने समय में आपकी 20,000 सेल मर जाएगी और उनकी जगह नए पैदा भी हो जाएगा। नंबर 16, हम सभी ने इंग्लिश वर्ड यूज करते ही है, बट क्या आपको पता है कि सबसे पुरानी वर्ड कौन सा है। मैं आपको बता दूं कि वो इंग्लिश में सबसे पुरानी वर्ड टाउन है। नंबर 15, आप सभी ने हॉट के केक बिस्कुट बैलून मार्क्स देखते होंगे, बट दिल का एक लैंड भी है जो फिजी में एक आइलैंड है जो बिल्कुल दिल का आकृति का है, जिसका नाम टेवहारुआ है। नंबर 40, बहुत सारे स्टूडेंट की पता ही होगा कि जब ऑलवेज स्टैंड की डेथ होने से कुछ वक्त पहले उसने कुछ कहा था जो बहुत इम्पोर्टेंट था, जो ऑलवेज स्टैंड की मृत्यु के साथ ही उनके आखिरी शब्द की भी डेड हो गई, क्योंकि उसके करीब जो नर्स थी उसे जर्मन समझ नहीं आती थी। नंबर 13, अमेरिका का नाम हर किसी ने सुनाई होगा, बट क्या आपको ये चौंकाने देने वाला फैक्ट पता है कि अगर आप इंग्लिश भाषा में अमेरिका के सारे राज्य के नाम लिखे तो आप सारे अक्षर यूज कर लेंगे सिवाय क्यू के। नंबर 12, हम एक रात में कितने सपने देखते हैं। जब हम सोने जाते हैं तब हमें ये नहीं याद रहता कि हम कितने सपने देखा था, सिर्फ सपना को इन्हीं याद रहता है, वो भी अंत के सपने। औसतम आप 4 सपने देख चुके होते हैं। नंबर 11, क्या आप सोच रहे हो कि हमारी हार्ट कितना बार धड़कता है। एक औसतम व्यक्ति का दिल 1 मिनट में 72 बार, 1 दिन में 1,00,000 बार और 1 साल में 30,60,00,000 धड़कता है। नंबर 10, इसे देखिए, एक लेडी है, ये चाइना के वासी है, ये आधुनिक समय में सत्यापित सबसे लंबी महिला थी, इसका नाम जेंग जिनलियन है, इसका हाइट 8 फीट 1 इंच है, इसका जन्म 26 जून 1964 की हुई और 13 फरवरी 1982 में मर गए। नंबर 9, प्लास्टिक का उत्पत्ति किसने किया। हम सभी को अज्ञात है प्लास्टिक की दुनिया बहुत बड़ी है, तो ये जाहिर है कि प्लास्टिक का यूज हर जगह हो रहा है। आजकल तो प्लास्टिक इन्वायरमेंट के लिए खतरा बना हुआ है। तो आपको ये पता है कि प्लास्टिक शब्द का उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्लास्टिक को सबसे हुई है, जिसका अर्थ है बनाना। तो प्लास्टिक का आविष्कार सन 1862 में इंग्लैंड के अलेक्जेंडर पार्किस ने किया था। नंबर 8, क्या आपको पता है कि फेसबुक पर डिसलाइक बटन क्यों नहीं दिया गया। इसका सीधा सा जवाब है कि मार्क जुकरबर्ग चाहते हैं सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं। नंबर 7, राष्ट्रपति बहुत ही मायने रखता है, जो आपको पता ही होगा, बट क्या आपको पता है कि मेक्सिको में एक ऐसा घटना घटी जो आपको पैरों तले जमी हट जाएगी। हुआ ये था कि मेक्सिको में 1931 की 9 फरवरी का दिन था, तब राष्ट्रपति थे फ्रांसिस फ्रांस को आई मैडरो उनके राष्ट्रपति पद से हटने के 1 घंटे के अंदर ही पेड्रो लस्कुरिन राष्ट्रपति बने, लेकिन उन्होंने कुछ ही मिनटों में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद विक्टोरियानो हुएटा राष्ट्रपति बने। पेड्रो लस्कुरिन महज 26 मिनट के लिए राष्ट्रपति बने थे, यह एक विश्व रिकॉर्ड है। नंबर 6, डायमंड आप सभी को तो पता ही होगा, ये सबसे कॉस्टली मेटल में से एक है, मगर आपको ये फैक्ट पता है कि डायमंड कार्बन की प्योर क्रिस्टलिन फॉर्म है। इसे आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इट इज हार्ड। नंबर 5, हम सभी ने कंप्यूटर चलाने वक्त कीबोर्ड यूज करते ही है, तो आपको ये पता ही होगा टॉयलेट सीट पर जर्म्स पाया जाता है, बट क्या आपको ये पता है कि कीबोर्ड पर
टॉयलेट सीट से भी 60 गुना ज्यादा जर्म्स पाया जाता है। नंबर 4, क्या आपको पता है कि जब स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के स्टेच्यू बनकर खड़ी हुई थी तब यह लोहे की सबसे ऊंची स्ट्रक्चर थी। नंबर 3, मैं जो अब कहने जा रहा हूँ जो फैक्ट तो नहीं है बट फैक्ट से भी कम नहीं ही है, अगर आप 11-12 में पढ़ रहे हो तो फंक्शनल ग्रुप समझना बहुत जरूरी है। नंबर 2, जब भी हमें ताज़ा हवा और शीतल ठंडक चाहिए होता है तब हम गार्डन या पेड़ के नीचे जाते हैं, बट क्या आपको पता है कि सबसे पुरानी पेड़ कौन सा है और वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? ये पेड़ मेक्सिको में एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है मॉन्टेजुमा साइप्रस। यह पेड़ करीब 2000 साल पुराना है जिसका लंबाई करीब 40 फीट है। नंबर 1, नाभि में छेद करने से क्या होगा? जब हम पेट में होते हैं तब हमें नाभि के जरिए ही खाना या एनर्जी पाते हैं और हम सभी को अपने मॉम के पेट में 9 महीने रहना पड़ता है। तो अगर आपके नाक और कान में छेद हो जाए तो 6 वीक में ठीक हो जाता है, वहीं नाभि में हो जाए तो छेद को ठीक होने में 9 महीने लगते हैं। है ना अमेजिंग? तो वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना।